सेल्स प्रोसेस। तो सेल्स प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अ सेल्स पर्सन विल फॉलो टू आइडेंटिफाई, एंगेज एंड क्लोज अ डील विद अ पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर क्या हो जाएगा? अ कस्टमर हु इज इंटरेस्टेड इन अ सर्विस एंड यू हैव दैट सर्विस और अ प्रोडक्ट टू सेल इट टू दैट कस्टमर, तो वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल कस्टमर। क्योंकि आपको पता है कि वो जो कस्टमर है वो इंटरेस्टेड होगा वो प्रोडक्ट खरीदने में या तो वो सर्विस यूज़ करने में। एंड इट टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रॉस्पेक्टिंग वेयर पोटेंशियल कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइड फॉलोड बाय एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। जो कस्टमर है उसका नीड्स आपको समझ के लेना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रेजेंटिंग के बाद और प्रोडक्ट और सर्विस के डेमो के बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड निगोशिएटिंग। अगर कस्टमर के कुछ क्वेरीज होंगे तो उसको आपको आंसर करना पड़ेगा वो सब। और फाइनली क्या हो जाएगा? कंक्लूड कैसे होगा? क्लोजिंग द डील, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब हो जाएगा प्रोडक्ट के साथ, तो लास्ट स्टेप में क्या करोगे? आप डील को क्लोज कर दोगे। तो उस स्टेप को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग। और उसके बाद हो जाएगा फॉलो अप। तो देखते हैं सेल्स प्रोसेस क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन सेल्स प्रोसेस, द सेल्स प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अ सेल्स पर्सन फॉलोज टू आइडेंटिफाई, एंगेज एंड कन्वर्ट पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू बायर्स। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्लोजिंग डील टू अचीव सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। तो अभी हम देखेंगे स्टेप्स क्या होते हैं। तो यूजुअली द सेल्स प्रोसेस इज ऑफ 7 steps। किसी बुक्स में 5 steps होगा, किसी में 6, किसी में 7, ज़्यादातर 7 ही होते हैं। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप होगा प्रॉस्पेक्टिंग। तो प्रॉस्पेक्टिंग में आ जाएगा आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स, या फिर जो लीड्स हम कहते हैं, लीड्स क्या होंगे हमारे। उसके बाद आ जाएगा प्री अप्रोच। प्री अप्रोच क्या होता है? सूटेबिलिटी चेक करने के लिए कि जो इंटरेस्ट है जो हमारे कस्टमर्स का वो है कि नहीं। और आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट है, आर यू वेरी वेल वर्स विद द प्रोडक्ट और द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। उसके बाद आ जाएगा अप्रोच। अप्रोच में आ जाएगा इनिशिएटिंग अ कॉन्टैक्ट एंड बिल्डिंग अ प्रॉपर कनेक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड डेमॉन्स्ट्रेशन। तो उसमें क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिंग द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कस्टमर्स को कुछ क्वेश्चंस रहे या तो वो अल्टरनेटिव्स के बारे में कुछ पूछेंगे, यू हैव टू टेल द यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपको वो प्रोडक्ट उन्हें क्यों बेचना है या फिर वो सर्विस, एंड वाई शुड दे बाय, प्रॉपर रीजंस के साथ। तभी वो कस्टमर कन्विंस होगा और वो खरीदेगा वो प्रोडक्ट। जब कन्विंस हो जाएगा फिर उसके बाद हम करेंगे क्लोजिंग अ सेल। क्लोजिंग अ सेल, अब इसमें क्या होगा? जब एक प्रॉपर अग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन द सेलर एंड द पोटेंशियल कस्टमर कि दैट द कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस, तो उस टाइम पे आ जाता है आपका क्लोजिंग, कि अभी पक्का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं दोनों जन, लाइक यू आर रेडी टू पे एंड बाय दैट प्रोडक्ट। तो तभी आ जाएगा आपका क्लोजिंग अ सेल। और जब प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसके बाद आ जाता है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स को हम फॉलो अप भी बोलते हैं। जो टर्म्स हैं वो वेरी कर सकते हैं एज पर डिफरेंट ऑथर्स। तो फिर आफ्टर सेल्स या फिर जो फॉलो अप है, इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या होता है? पोस्ट सेल कम्युनिकेशन होती है टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया है तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप वापस से उस सेम सेलर से वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे या फिर वो प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करना चाहेंगे, या तो अगर वही सेलर के पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई और कोई फर्दर कुछ डील्स है, कुछ अच्छे, अगर कभी उसने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप उसके एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हो। सो टू बिल्ड दैट रिलेशन विद द कस्टमर, फॉलो अप का स्टेज होता है जिसे हम आफ्टर सेल्स भी कहते हैं। जैसे अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन ले लिया तो उसमें आफ्टर सेल्स होगा, फ्रिज ले लिया तो उसमें आफ्टर सेल्स होगा। तो उस तरीके से जैसे कोई अच्छे वॉचेस वगैरह लेते हो तो शोरूम में आपको वारंटी गारंटी सब मिलता है, तो वो सब आ जाएगा आपका आफ्टर सेल्स में। तो यहाँ पर मैंने सेल्स प्रोसेस को नाइकी ब्रांड के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम ओनली। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या आ जाएगा? आइडेंटिफाई द आइडियल कस्टमर। उसके बाद कैसे, मतलब हम कैटेगरी कैसे बनाएंगे प्रोस्पेक्टिंग में? मैन वुमेन किड्स हो जाएगा, परचेज फ्रीक्वेंसी उसमें आ सकता है। एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद उसके बाद हाई इनकम ग्रुप को ही सेल करना पड़ेगा, बिकॉज जो प्राइसेस है दे आर एट अ हायर साइड। तो जो हाई इनकम ग्रुप है या फिर मिडिल क्लास को भी आप बोल सकते हैं, वो लोग वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। उसके बाद
स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को जो काफ़ी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं एंड पीपल हु कैन पे अ प्राइस फॉर दैट क्वालिटी ऑफ शूज, जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, तो आप उन्हें वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिंग स्टेज। फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पर जो हमारा सेल्स प्रोसेस में आएगा, दैट इज़ प्री अप्रोच एंड अप्रोच। तो प्री अप्रोच में क्या हो जाएगा, बिफोर डायरेक्टली एंगेजिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर, द प्री अप्रोच इन्वॉल्व्स अ थरो प्रिपरेशन एंड रिसर्च। तो बेसिकली मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं, फिर कंपिटेटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा, दैट मेक्स फॉलोइंग करेंट ट्रेंड्स कि क्या है लेटेस्ट ट्रेंडिंग। उसके बाद आ जाएगा न्यू पोटेंशियल क्लाइंट्स है कि नहीं, एडवर्टाइजिंग मेथड्स प्रॉपर है कि नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं अप्रोच पर। तो अप्रोच में क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिक डिज़ाइंस एंड स्टाइल्स। यू एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट और उसके बाद आप वो एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, जो असेसमेंट है, जो उसकी नीड्स है उससे आप एसेस करोगे। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, तो वो आप पूरा रेडी कर लोगे कि इनके नीड्स क्या है, डू दे नीड अ नाइकी शू फॉर जिमिंग और वॉकिंग और रनिंग। उसके हिसाब से आपको पूरा प्रोडक्ट है उसके बारे में सोच के उसके बाद आप दोगे डेमो। तो उसके लिए फिर हम आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्रोसेस के थर्ड स्टेप पे। तो प्री अप्रोच एंड अप्रोच जो होता है वो पूरा नॉलेज बेस्ड हो गया। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जो मिशन विजन है आप वो बोल सकते हो कि ये बेस्ट क्वालिटी शूज़ है फॉर विनर्स एंड ऑल। उसके बाद आप CSR वगैरह के बारे में अगर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है वो भी देख सकते हो आप, शूज़ के नाइकी एज अ ब्रांड कैसे एडवर्टाइज़ करता है। और सेल्स में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट से अलग है और आपको क्या क्या USP दे सकता है, कि वो ब्रांड आपने क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके यूनिक फीचर्स क्या है और वो आपको कितनी तरीके से बेनिफिट्स देगा आफ्टर वेयरिंग दैट शू। सो दिस ऑल विल कम अंडर द स्टेप नंबर 3। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दे देना चाहिए उस शू का, और द कस्टमर कैन वेयर दैट शू एंड वॉक या तो रन एंड चेक फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि वो शू उन्हें प्रॉपर कम्फर्टेबल है या नहीं। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे स्टेप 4 पे, दैट इज़ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब इसमें क्या होता है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कस्टमर विल बार्गेन, तो बार्गेन करना तो वो कस्टमर्स डेफिनेटली करने वाले हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। फिर आप बेटर सब्स्टिट्यूट क्या दे सकते हो, अगर वही रेंज में कोई डिफरेंट डिज़ाइन का शू है जिसका प्राइस थोड़ा कम है बट उसका यूज़र केस वही है कि सेम सोल है उसका, ग्रिप अच्छा है और रनिंग का ही वो शू है या तो फिर जिमिंग का ही वो शू है, तो आप वो कस्टमर को बता सकते हो। और अगर सपोज़ वो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट या मॉडल जो डिस्प्ले पे रखा है वो सिलेक्ट किया और वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको वो भी हैंडल करना पड़ेगा कि आप या तो एड्रेस दे के जाइए या तो ईमेल आईडी दे दीजिए, अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक में आ जाएगा तो आपको हम डिलीवर करवा देंगे। तो इस तरीके से कस्टमर को एंगेज भी करना पड़ता है ताकि एक प्रॉपर लीड जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस का जो स्टेज है ये वेरी हो सकता है एज़ पर द प्रोडक्ट और द सर्विस, क्योंकि हर एक डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। और जैसे जैसे सर्विस या प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे वैसे वैसे ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज होगा क्लोजिंग ऑफ अ सेल। इसमें क्या आ जाएगा, स्टेप्स जैसे कि गारंटी, वो प्रोडक्ट का गारंटी वारंटी क्या है। अभी जैसे कि नाइकी का ब्रांड है तो उसमें गारंटी कितने सालों का है, स्टूडेंट डिस्काउंट है कि नहीं। जैसे कि नाइकी एज अ ब्रांड वो देता है अगर स्टूडेंट डिस्काउंट, या तो अगर उसकी कोई मेंबरशिप है तो वो क्या है, कितने महीनों की है। जैसे कि अगर मेंबरशिप वगैरह रहा तो उसके फीचर्स क्या होंगे वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, वो प्रोडक्ट आप लोगे तो उसका जो USP है, इज़ दैट वर्थ इट द मनी यू आर पेइंग, तो वो उसके प्राइस के लिए वो जस्टिफाई करता है कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद पर्सुएडिंग देम टू बाय, तो जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, फाइनली ही विल कन्विंस यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। और एक प्रॉपर कस्टमर का जो नीड था, डिज़ायर था, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा एक ट्रांजैक्शन करने का, ताकि एक सेल जो है वो हो जाएगा। क्लोजिंग अ सेल, अ प्रॉपर ट्रांजैक्शन इज मेड बिटवीन द टू पार्टीज, द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर।
उसके बाद हम आएंगे आफ्टर सेल्स पे। अब आफ्टर सेल्स में क्या होगा, फॉलो अप कॉल हो सकता है, जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया, सपोज शू ले लिया या तो कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड का लैपटॉप ले लिया या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड का आपने एक सर्विस लिया, तो जो कॉल सेंटर से आपको कॉल आ सकता है फीडबैक कॉल जैसा, फॉलो अप कॉल, कि आपने अगर वो प्रोडक्ट ले लिया तो आपको वो कैसा लगा, आपका यूज़ केस जो था वो सर्व हुआ कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो प्रोडक्ट के साथ, वो सब आ जाएगा फॉलो अप कॉल में। जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी भी लिया तो आपको एक वेलकम कॉल आएगा कि आपने ये इंश्योरेंस लिया है, आपको जो ये प्रोडक्ट आपको बेचा गया है इंश्योरेंस का, तो आर यू अवेयर उसके क्या क्या पॉलिसीज एंड कंडीशंस क्या क्या है उसमें, तो वो सब हो जाएगा एक प्रॉपर फॉलो अप कॉल जो कि आफ्टर सेल्स में आएगा। और फिर आफ्टर सेल्स में आ जाएगा वारंटी या फिर मेंबरशिप वगैरह के बारे में। अगर मेंबरशिप्स है, जैसे नाइकी का मेंबरशिप है, तो मे बी आपको कोई न्यू प्रोडक्ट निकल जाएगा, अगर रिलीज़ हुआ कोई न्यू प्रोडक्ट वेबसाइट वगैरह पे, तो मे बी यू कैन गेट एन अर्ली एक्सेस। एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट्स होंगे तो वो आपको चांसेस होगा मिलने का, या फिर फ्री शिपिंग ऑन योर फर्दर परचेजेस अगर आप एक मेंबर हो तो। तो वैसे काफ़ी सारे मेंबरशिप के प्लान्स होते हैं, आप देखोगे तो काफ़ी सारी रिटेल स्टोर्स में भी ऐसा होता है, मेंबरशिप कार्ड्स दिए जाते हैं टू मेक अ रिलेशन विद द कस्टमर, ताकि फ्यूचर में जो भी कुछ आएगा उनका ऑफर, वो कस्टमर्स को पहले कम्युनिकेट कर पाए, ताकि उनका जल्दी से कन्वर्जन हो जाएगा, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल कस्टमर्स, तो फिर वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे कस्टमर्स को। उसके बाद अगर रिफंड पॉलिसीज कुछ है या नहीं, काफ़ी सारे जो कंपनीज होते हैं या जो प्रोडक्ट्स या सर्विस देते हैं, उनका ऐसे होता है 60 डेज या 30 डेज का कुछ रिफंड वगैरह होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा स्कीम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लेते ही इसलिए ताकि वो अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो फिर 30 डे का जो टाइम फ्रेम है या फिर 60 डेज है उसके अंदर वो रिटर्न हो जाएगा। और ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में तो दिया ही जाता है लाइक 10 डेज या 15 डेज का विंडो, जिसमें आप वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो, जो कि आपके आफ्टर सेल्स में आ जाएगा। तो ऐसे ये सेल्स प्रोसेस का जो होता है स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होता है, एंड इट इज़ अ 7-step प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।